तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये वो फ्रूट है जो इस प्लांट से नीचे गिर गया है, गमले में मिला है मुझे फ्रेंड्स आज। मेरा पिछले वीडियो देखिए, उसमें मैंने दिखाया था कि इस फ्रूट को पहचान के बताइए कौन सा है। ये इस वाली बेल पर था फ्रेंड्स, ये बेल मैंने लगाई नहीं, अपने आप ही लगी थी। एक और इसी के जैसा फ्रूट लगा, मैं आपको दिखाती हूँ, इसका नाम है कचरी। ये देखिए फ्रेंड्स, एक और फ्रूट लगा हुआ है बिल्कुल सेम उसी के जैसा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सृष्टि क्रिएटिव आइडिया चैनल। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कुछ गमले तैयार किए हैं, इनको मैं इंडिपेंडेंस डे पर अपने फ्रेंड्स वगैरह को दूंगी। और फ्रेंड्स ये देखिए, इस तरफ ये जो रखे हैं ये मैंने बाय किए हैं। और आपको दिखाती हूँ कुछ, वो देखिए फ्रेंड्स, वो जो आपको दिख रहा है वो मेरा नया कंपोस्ट बिन है फ्रेंड्स। इतना घर से कूड़ा कचरा निकल रहा है कि बस पूछिए मत। तो मैं सोच रही हूँ बड़े बिन लूँ और उनमें अपना कंपोस्टिंग करूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने किचन से टमाटर के बीज लाई हूँ, फ्रेश टमाटर काट के उसके अंदर से मैंने बीज निकाले हैं और इन्हीं बीजों को मैं लगाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी मैंने दो तैयार किए हैं अपनी फ्रेंड्स वगैरह को, या फिर जो मेरे नेबर हैं, पड़ोसी हैं, उनको देने के लिए। और इस तरफ के भी फ्रेंड्स, ये तीनों गमले जो हैं इनको भी मैं 15 अगस्त पर इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेट करने के लिए अपने नेबर्स वगैरह को दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी रेड वाली बकेट है, वेजिटेबल बकेट। पिछले साल इसी में टमाटर और बैंगन लगे हुए थे फ्रेंड्स। मैं एक बैंगन का प्लांट आपको दिखाती हूँ, ये बैंगन का प्लांट है जो पिछले साल का ही है। टमाटर मेरे गर्मियों में ख़राब हो गए थे तो मैं इसी में टमाटर लगाना सोच रही हूँ। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गड्ढा बना लिया है, अगर आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, तो मैं इसमें थोड़े से ही लगाऊंगी क्योंकि मैंने इसमें अधिकतर बैंगन के ही लगा दिए हैं फ्रेंड्स। आपको छोटे छोटे प्लांट दिख रहे होंगे, ये देखिए ये सारे बैंगन ही हैं फ्रेंड्स। तो इसमें मैं थोड़े से बीज डाल देती हूँ, 2-4 बीज। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं ऐसा करती हूँ इसे मिट्टी में मिक्स कर लेती हूँ। मैंने पिछले साल भी इसी टाइप से मिट्टी में मिक्स करके और प्लांट ग्रो किए थे, तो जो मेरा मेथड है फ्रेंड्स मैं उसी हिसाब से करूँगी। मिट्टी हमारी वही रहेगी, 60% मिट्टी और 25% आप घर का बना हुआ कंपोस्ट ले लीजिए, और 25% या थोड़ा कम कर लीजिए रिवर सैंड मिला लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और बस थोड़े से बीज उठाकर मैं यहाँ डाल दूंगी। मेरी मिट्टी वैसे तो बहुत गीली है बट मैं फिर भी इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं ऊपर से इस पर थोड़ा सा पानी फिल्ड कर देती हूँ। मिट्टी बहुत गीली है मेरी, फिर भी मैं थोड़ा सा पानी इस पर डाल देती हूँ। एक जगह और लगाते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस गमले में मेरे करेले की बेल चल रही है और नीचे 2-3 सदाबहार के प्लांट है। और उसके बाद भी यहाँ पर मैंने बहुत सारे करेले के सीड ही डाले थे फ्रेंड्स। बस कबूतर इतना ख़राब कर रहे हैं कि कुछ चलने ही नहीं दे रहे हैं। तो मैं इसी में अपने टमाटर के सीड डाल देती हूँ और देखते हैं फ्रेंड्स ये ग्रो हो पाते हैं या नहीं। इसमें मेरे गिन के मैंने 6 बेल चल रही थी फ्रेंड्स करेले की, और कबूतरों ने पता नहीं क्या करते हैं, मैं दाना भी डालती हूँ फिर भी इसके ऊपर बैठकर और सारा ख़राब कर देती हैं। तो मैं इसके ऊपर से पानी फिल कर दूंगी फ्रेंड्स। ये देखिए, बारिशों के आने से पहले मैंने एक बार बैंगन के सीड और करेले के सीड और टमाटर के सीड वगैरह डाले थे, तो मैं दिखाती हूँ कुछ प्लांट ग्रो हो गए हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, ये अनार की बेल है और उसके साथ ही करेले का है फ्रेंड्स। ये फूल खिला हुआ है, ऊपर तक फूल है इसमें फ्रेंड्स, अगर आपको दिख पा रहे हैं तो। ये जहाँ मेरी उंगली है ये एक करेला लगा हुआ है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको दिख पा रहा है तो ये वही बेल है कचरी की, जिसपे से हमने एक कचरी खाई हुई है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस पे और 2-3 कचरियाँ बन चुकी हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे टमाटर के सीड हैं जो ग्रो हो गए हैं। मैं इन्हें छुपा देती हूँ, नहीं तो कबूतर इन्हें ख़राब कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कॉमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।